नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। फाइनली दोस्तों, जैसा कि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आपको बताया था कि जो आपकी 9वीं और जो 11वीं की आपकी परीक्षा है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम है, वो इस बार ओपन बुक पैटर्न पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के जो केसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली एमपी बोर्ड की मीटिंग हो गई है और उसमें आपका फाइनल डिसीजन आ गया। जो आपकी 12 अप्रैल से 9वीं और 11वीं की जो पेपर होने हैं, वो अब दोस्तों आपके ओपन बुक पैटर्न पे होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, फाइनल एग्जाम 9वीं 11वीं के छात्र घर से दे सकेंगे पेपर, 10वीं 12वीं के छात्रों को मिली ये बड़ी राहत। फिलहाल 10वीं 12वीं वाले स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 9th और 11th क्लास के लिए दोस्तों यहाँ पे फाइनल डिसीजन आ चुका है। अगर इस आप जो न्यूज़ इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि बढ़ते संक्रमण के बीच 9वीं और 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन नहीं ली जा सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर बरपा रहा है, ऐसे में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके बाद अब कक्षा 9वीं 11वीं के छात्रों को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षा ऑफलाइन नहीं ली जाएगी। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बयान सामने आया है। उन्होंने दोस्तों क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे आप देखिए, मंत्री इंदर सिंह परमार ने बढ़ते संक्रमण के बीच 9वीं और 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन नहीं ली जा सकती, लिहाजा घरों से ही 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए छात्रों को प्रश्न पत्र घर भेजे जाएंगे, जिसे हल करने के बाद वह अपने स्कूल में जमा कराने जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले आपके जो रिवीजन पेपर हुए थे ना, रिवीजन टेस्ट, उसी तरीके से आपकी जो 9वीं और 11वीं की जो फाइनल एग्जाम है वो आपके कंडक्ट यहाँ पे कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि दोस्तों आपको एमपी बोर्ड की सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। आपको दोस्तों जो फैसला कैसा लगा एमपी बोर्ड का, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।